नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक है जारी। राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बनने वाले हैं एक विश्वविद्यालय। लोजपा टूट के बाद पहली दफा पशुपति पारस व चिराग कर सकते हैं मुलाकात। गन्ना उद्योग विभाग बना रहा है अपना खुद का पोर्टल। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। पंचायत चुनाव को लेकर आज होनी है आयोग की चुनावी समीक्षा। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सभी जिलों के अधिकारियों को दूसरे राज्यों से ईवीएम लाने थे। इनमें से किशनगंज को छोड़कर सभी जिलों के पदाधिकारी ईवीएम लेकर लौटने लगे हैं। किशनगंज को पश्चिम बंगाल से ईवीएम लाने हैं, जिसके लिए वहां के डीएम रवाना हो गए हैं। इस क्रम में अब आज राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव के लिए जिलों के साथ समीक्षा करेगा, जिसमें सभी जिलों से ईवीएम प्राप्त करने की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली जाएगी। इस दौरान ईवीएम के भंडारण से लेकर मतदान और मतगणना स्थल को लेकर भी समीक्षा की जाएगी। बता दें कि बिहार के 8 से 9 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, इसलिए आयोग सबसे पहले बाढ़ की स्थिति का आकलन करेगी। साथ ही कई पंचायत ऐसे हैं जिनका अस्तित्व नहीं रहा है, ऐसे में चुनाव आयोग ऐसे अस्तित्व विहीन होने वाले पंचायतों, वार्डों और पंचायतों के पुनर्गठन की भी समस्या को लेकर समीक्षा करेगी। बताते चले कि यह समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी, जिसमें सभी जिलों के डीएम और एसपी हिस्सा लेंगे। मानसून दोबारा हो रहा है सक्रिय। सूबे बिहार में मौसम में बदलाव जारी है। बीते एक सप्ताह से राज्य में मानसून कमजोर हो गया था और मानसूनी हवाएं अपना रुख मध्य भारत की ओर कर रही थी, मगर इस बीच एक बार फिर से बिहार में ट्रफ लाइन बन गई है और बंगाल की खाड़ी से हवा का प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे अगले दो दिनों में नमी और बारिश के काफी आसार बढ़ गए हैं। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने उत्तरी बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं मध्य बिहार के जिलों में भी आज से बारिश तेज हो जाएगी। खासकर पटना, गया, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल में आज भारी बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। लाइब्रेरियन के रिक्त पदों को भरने की याचिका पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई। राज्य में लाइब्रेरियन के रिक्त पदों पर बहाली करने की एक याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। इस याचिका को ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरियन एसोसिएशन ने दायर किया था। याचिका में कहा गया था कि साल 2008 के पैनल से लाइब्रेरियन के पद पर चयन को बंद करके नए सिरे से रिक्तियों पर विज्ञापन निकाला जाए, साथ ही खाली पदों की घोषणा करने के साथ ही राज्य के विभिन्न स्कूलों व विभागों में लाइब्रेरियन की बहाली का आग्रह किया गया था। इस मामले पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पहले संबंधित सरकारी विभाग में अपील करने को कहा है, साथ ही उस विभाग को भी 60 दिनों के अंदर इस शिकायत पर विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक है जारी। बिहार सरकार की कैबिनेट मीटिंग जारी है। यह बैठक कुछ देर पहले करीब 4:30 बजे शुरू हुई है, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है। इसकी अध्यक्षता सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं। बताते चले कि कोरोना पैंडेमिक के बीच इस वर्चुअल बैठक में सभी मंत्री, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव जुड़े हैं। आपको बताते चले कि कैबिनेट की पिछली बैठक इसी महीने की 2 तारीख को हुई थी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर निर्णय लिए गए थे। वहीं आज के इस बैठक में भी कई अहम एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है। गन्ना उद्योग विभाग का बनेगा अपना खुद का पोर्टल। बिहार में गन्ना उद्योग से जुड़े किसानों के लिए खुशखबरी है। अब गन्ना उद्योग विभाग का अपना खुद का पोर्टल बनवाया जा रहा है, जहां गन्ना किसानों को कई तरह के लाभ मिलेंगे। इस संबंध में बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए पोर्टल को बनवाया जा रहा है, जिसका 70% काम पूरा हो चुका है और इसी महीने इसे लॉन्च करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इस पोर्टल के जरिए सभी प्रक्रिया पारदर्शी होंगी, साथ ही गन्ना किसानों को बीज, उसकी खरीदारी, अनुदान राशि, बकाया राशि इत्यादि का भुगतान सहित अन्य कई तरह की जानकारियां भी इस पोर्टल पर मिल जाएगी। इस पोर्टल को लॉगिन करना भी बेहद आसान होगा, साथ ही पोर्टल के माध्यम से किसानों को तमाम राशि ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे। राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बनने वाला है एक विश्वविद्यालय। बिहार में एक ऐसा विश्वविद्यालय बनने वाला है, जिसके अंदर राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज आएंगे। इसका नाम बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय रखा गया है। खास बात यह है कि इसके कुलाधिपति राज्यपाल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री होंगे। अमूमन राज्य के सभी यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं, मगर इस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति मुख्यमंत्री रहेंगे। इस बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय का प्रस्ताव सरकार ने तैयार कर लिया है, जिसे मानसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। बताते चले कि इस प्रस्ताव को वित्त और विधि विभाग से मंजूरी भी मिल गई है और आज की कैबिनेट मीटिंग में इस पर मुहर भी लग सकती है। अब विधानसभा से पारित होने के बाद अगले सेशन से यह यूनिवर्सिटी एक्टिव भी हो जाएगी। इसका उद्देश्य है कि सरकार इंजीनियरिंग की पढ़ाई और सिलेबस में बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए एक यूनिवर्सिटी के अंदर सभी इंजीनियरिंग कॉलेज को लाया जाना है।
राज्यपाल फागू चौहान ने सेना से जुड़ी ऑपरेशन कुकरी पुस्तक का किया लोकार्पण। बीते दिन राजभवन के दरबार हॉल में एक समारोह में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन कुकरी पुस्तक का लोकार्पण किया, जो कि मेजर पुनिया की किताब है। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य का बखान किया और कहा कि सेना ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी साइप्रस, लेबनान, कांगो एवं सियेरा लियोन सहित अनेक देशों में संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न शांति अभियानों में बहादुरी के साथ सफलतापूर्वक कार्य किया है। और मेजर जनरल राजपाल पुनिया के नेतृत्व में संचालित ऑपरेशन कुकरी उन्हीं अभियानों में से एक है, जिस पर आज उनके द्वारा किताब भी लिखी गई है। इस मौके पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी भी मौजूद थे। पटना से उत्तर बिहार का सफर मार्च 2022 तक हो जाएगा आसान। राजधानी पटना से अब उत्तर बिहार के कई जिलों का जुड़ना अभी कुछ महीनों में आसान होने वाला है। पटना और हाजीपुर के बीच बने महात्मा गांधी सेतु पर बन रहे दूसरे लेन का काम अगले साल मार्च तक पूरा हो जाएगा। साथ ही सेतु के समानांतर 4 लेन पुल का भी काम 2024 तक तैयार हो जाने की उम्मीद है, जिससे भयानक जाम से लोगों को छुटकारा मिलेगी। इससे गंगा पार जिलों से पटना में काम या फिर रोजगार के लिए आने जाने वाले लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। इस बाबत पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि गांधी सेतु के डाउनस्ट्रीम लेन को तोड़ने का काम लगभग पूरा हो गया है और सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण का काम चल रहा है। इसके साथ ही सेतु के निर्माणाधीन लेन में स्पैन का काम 93% पूरा हो चुका है। पिता लालू की तरह ही तेजस्वी यादव का दिखा पशु प्रेम। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री व आरजेडी सुप्रीमो अपने गवई अंदाज और गाय भैंसों के साथ प्रेम को लेकर काफी लोकप्रिय थे। यही वजह थी कि वो जमीनी स्तर पर लोगों के दिल में पहचान बना पाए। अब पिता के नक्शे कदम पर उनके छोटे पुत्र भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें दिख रहा है कि वे पिता लालू यादव की राजनीतिक विरासत और अंदाज को अपनाने के प्रयास कर रहे हैं। वायरल फोटो में तेजस्वी यादव अपने तबेले में गाय भैंसों की देखभाल करते हुए नजर आए। इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर लोग काफी पसंद कर रहे हैं। लोकसभा टूट के बाद पहली दफा पशुपति पारस व चिराग कर सकते हैं मुलाकात। लोक जनशक्ति पार्टी में अपने ही चाचा के बगावती स्वर सुनने और देखने के बाद पहली बार चिराग पासवान अपने चाचा व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से मुलाकात कर सकते हैं। इस बात के संकेत खुद चिराग पासवान ने दिए हैं। दरअसल पत्रकारों से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने आगामी लोकसभा के मानसून सत्र का जिक्र किया और कहा कि मानसून सत्र में उनकी आपस में मुलाकात हो सकती है। बता दें कि चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों ही लोकसभा सांसद हैं। ऐसे में मानसून सत्र के दौरान उनकी मुलाकात लोकसभा सदन में हो ही जानी है। चिराग ने साथ में यह भी कहा है कि उनके द्वारा पार्टी पर हक की लड़ाई जारी रहेगी और यह लड़ाई लंबी चलने वाली है। आपको बताते चले कि लोजपा में टूट होने के काफी पहले तक चाचा भतीजे में कोई मुलाकात नहीं हुई है। हालांकि चिराग पार्टी में टूट होने के बाद पशुपति पारस के आवास पर भी पहुंचे थे, मगर उनके चाचा उनसे नहीं मिले। पुष्पा प्रिया चौधरी ने लिया बिस्फी प्रखंड का जायजा। बिहार विधानसभा चुनाव में बिस्फी सीट से उम्मीदवार रही प्लुरल्स पार्टी की पुष्पा प्रिया चौधरी ने बीते दिन बिस्फी प्रखंड क्षेत्र का भ्रमण किया, जहां बाढ़ पीड़ितों के बीच उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने हुटा, रघौली, बलहा, भैरवा, बिस्फी, जगवन सहित दर्जन भर गाँव में जाकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। वही पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि गरीबों के घर में एक सप्ताह से पानी भरा है और इन्हें देखने वाला कोई नहीं है। यहां नाव की भी व्यवस्था नहीं है। साथ ही फसल बीमा, अस्पताल आदि कई मुद्दों पर समस्या को बताते हुए पुष्पम प्रिया ने सरकार को चेतावनी भी दी। इस दौरान उन्होंने अविलंब बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने की चेतावनी दी है, नहीं तो प्लुरल्स पार्टी के द्वारा सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही है। बालिका वधू सीरियल में दादी सा से फेमस अभिनेत्री सुरेखा सिकरी का हुआ निधन। टेलीविजन में कई मशहूर सीरियल और फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से जाने जाने वाली अदाकारा सुरेखा सिकरी का 75 साल की उम्र में आज निधन हो गया है। उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ है। हालांकि अभिनेत्री लंबे समय से बीमार भी चल रही थी। पिछले ही साल 2020 में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ था। बताते चले कि सुरेखा सिकरी को 3 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। उन्होंने बधाई हो और बालिका वधू जैसी कई हिट और पॉपुलर फिल्मों सीरियल में यादगार रोल निभाए हैं। कोरोना के दौर में सुरेखा को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। उनके पास कई महीनों तक काम भी नहीं था। वहीं जब शूटिंग शुरू भी हुई तो बुजुर्ग कलाकारों को शूटिंग से दूर रहने की गाइडलाइन जारी की गई, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा था। उनके निधन पर फिल्म जगत के लोगों ने दुख जताया है। पीएफ खाताधारक अब घर बैठे बैठे कर सकते हैं अपना बैंक डिटेल अपडेट। कर्मचारी भविष्य निधि खाताधारक अब घर बैठे बैठे अपने खाते को अपडेट कर सकते हैं, जिसकी मदद से अब आप आसानी से अपना अकाउंट भी प्रोसेस कर सकते हैं। इसको कर ईपीएफओ ने हाल ही में अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया था। इसके लिए सबसे पहले आपको एकीकृत सदस्य पोर्टल यूनिफाइड पोर्टल mem.epfindia.gov.in पर जाना होगा और वहां जाकर यूएएन पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपको टॉप मेन्यू में
में मैनेज ऑप्शन पर जाना होगा, जिसके बाद अब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से केवाईसी को चुनें, अब अपना बैंक चुनें और बैंक अकाउंट नंबर, नाम और आईएफएससी कोड को अपलोड करें, फिर सेव बटन पर क्लिक करें, जिसके बाद आपके अपडेट किए गए बैंक विवरण स्वीकृत केवाईसी अनुभाग में दिखाई देने लगेंगे। फिर अपने नियोक्ता को प्रमाण का स्टेप्स का पालन करके आप आसानी से अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय टीम में कोरोना की हुई दस्तक। टीम इंडिया को इंग्लैंड के साथ सीरीज खेलने से पहले ही काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के अलावे ट्रेनिंग सहायक और नेट गेंदबाज दयानंद गराने भी कोविड पॉजिटिव है। वहीं अब दयानंद गराने के संपर्क में आए दो खिलाड़ियों और एक कोच को आइसोलेशन में रखा गया है। ये दोनों खिलाड़ी काउंटी सिलेक्ट 11 के खिलाफ 20 जुलाई को होने वाले प्रैक्टिस मैच का हिस्सा अब नहीं होंगे। हालांकि बीसीसीआई ने बताया कि ऋषभ पंत कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आते ही टीम इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे। पंत फिलहाल आइसोलेशन में है, बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है। वहीं पंत को 2 RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही टीम के साथ जोड़ा जाएगा। देश भर में कोरोना के 38,949 नए मरीजों की हुई पुष्टि। देश भर में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 38,949 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 542 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान कुल 40,026 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 430,422 हो गई है। वही बात अगर बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान 125 नए मामले आए हैं। इस दौरान 110 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 796 हो गई है। वहीं रिकवरी दर 98.56% हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि कोरोना के संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए आपने अब तक खुद को और परिवार जनों को वैक्सीन लगवाया है या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।